कैसा लगा आज का? फिर बताने की जरूरत है? आई थिंक सो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको जो बताया था, डॉट टू डॉट, ड्राइंग टू ड्राइंग, कैंडल टू कैंडल, सेम एनालिसिस आज के दिन पे मार्केट ने आपको दिखा दिया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आज कमेंट करके बताना है। 500 कमेंट आज के दिन पे चाहिए ही चाहिए, नो एक्सक्यूज। 500 कमेंट आपको करने हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं। क्यों करने हैं उसका रिमाइंड करके देता हूं कि आपको पता चल जाएगा, करना ही पड़ेगा आपको, कोई एक्सक्यूज नहीं। मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन कर दो। आज कम से कम चाहिए 500 कमेंट और 2000 लाइक्स, आज का टारगेट है, कर देना पूरी तरीके से। और यह हक से मांग रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट लेवल आपको दे रहा हो, इसके लिए बोल रहा हूं। तो कल क्या बता के रखा था? क्लियर, मार्केट कल फ्लैट अगर यहां पर ओपन हो जाता है तो ये नीचे जाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन यहां से ये यू टर्न मार के ऊपर जाएगा और बैंक निफ्टी की कैंडल्स दिखा देता हूं, समझ लो। क्लियर समझा के रखा था? उसमें कोई दोहराई नहीं है, जाकर कल का एनालिसिस देख लेना, पता चल जाएगा। मार्केट क्लियर कट जैसे बताया था नीचे गया, आज के लाइव में भी बताया था बैंक निफ्टी क्या करेगा, सामने दिखाया है सब कुछ, पिक्चर परफेक्ट ओपन करके दिखाया था। इसी बॉटम पे एग्जैक्टली हमारी एंट्री हुई। एंट्री, किसी को डाउट आ रहा है, कोई हेट कर रहा है, भाई तुम मुझे पता है तुम मुझे छोड़ के जाने नहीं वाले हो, क्योंकि तुम्हें पता है पैसा तो इसके पास ही बनना है, हेट भी इसको करो लेकिन जाओ नहीं, ये तो सब हर दिन का चल रहा है, तुम मजे करो बस मेरे साथ। ओके, बॉटम पे एंट्री हुआ परफेक्ट, ये पूरा मोमेंटम हमने कैच किया आपके साथ लाइव में, यूट्यूब पे हमने कैच किया। उसके बाद ये यहां पर कंप्लीट साइडवेज, जैसे बता के रखा था कि बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर अंदर खुद को आज के दिन पे रखने वाला है, और उसने रख भी दिया, होल्ड भी कर गया, मजे भी कर दिए और सब कुछ चला गया जैसा बताया था। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, और एक चीज बता देता हूँ, क्या बताया था अगर आपको याद है, किसी को तो याद नहीं है तो जाकर कल का वीडियो तो जरूर देख लेना, अगर नहीं देख रहे हो तो कोई फायदे की बात नहीं, जरूर देख लेना। कैंडल्स क्या बताया था मैंने कल के दिन पे, मार्केट अब यहां पर जो कैंडल बनी थी, मैंने क्लियर बोला था मार्केट इसके नीचे ज्यादातर केसेस में नहीं जाएगा, और ऊपर आकर एक कैंडल यहां पर ग्रीन कैंडल जरूर बनाएगा, सामने है बनाई कैंडल, जैसे बताई थी, जैसे सोची थी बनी कैंडल, मजा आया। यही होता है एनालिसिस, अगर ये एनालिसिस सीख गए तो पैसा तो अपने आप बनता है, बस सीखने की जरूरी है, परफेक्शन अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अगर आप सीख गए समझ गए तो आप भी पैसा बना सकते हो, मार्केट में कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, सीखने का तो बिल्कुल नहीं है, बस आपका फोकस, आपका परफेक्शन, ये दोनों चीजों को एक साथ लाओ, फिर देखो मार्केट में होने वाले जलवे क्या होते हैं। ट्राई करो लर्निंग का मार्केट, फिर आप समझ जाओगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के दिन पे 2000 लाइक और 500 कमेंट, इट इज अ फिक्स्ड वन, फिक्स होने ही चाहिए गाइस। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, चाहिए, क्योंकि इतना परफेक्शन दे रहा हूं तो इतनी तो डिमांड कर ही सकता हूं, करो कमेंट। और सब लोग लिख देना परफेक्शन क्या है, क्या एनालिसिस है, सब लोग कमेंट लिख देना। 500 कमेंट से ऊपर जाने ही चाहिए आज के दिन पे, और 2000 लाइक। ओके, सेम हुआ जैसे प्लान हमने बना के रखा था, परफेक्टली फाइन, मतलब कुछ भी दोहराई नहीं है, ऐसी बात ही नहीं कि आपको नहीं बोला या बोला। कल का एनालिसिस प्रॉपर तरीके से देख लेना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो फिर आपको आपके खुद के आंसर आपको अपने आप मिल जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। देखो अभी मार्केट क्या कर सकता है, अभी मार्केट आकर यहां पर एक रेंज के अंदर होल्ड कर, पहले ही तो बता के रखा था, यहां से घूमेगा और ऊपर जाकर इसी रेंज के अंदर खुद को मेंटेन कर सकता है, यही बता के रखा था, और वैसा ही यहां पर हो गया, घूमेगा और यही रेंज को खुद को मेंटेन करा सकता है, और वहीं पर ऐसे तरीके से हो भी गया, वो आप समझ गए होंगे। अभी देखो, अभी मार्केट जहां पर खड़ा है, थोड़ा सा शांति से बैठना है आपको, बस शांति से बैठना है, चिल करना है। कल का मार्केट गैप अप भी ओपन होने की कोशिश करेगा, गैप डाउन भी ओपन होने की कोशिश कर सकता है, दोनों भी चीजें पॉसिबिलिटीज यहां पर ज्यादा हायर है। तो आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये देखो ये दोनों साइड का व्यू बता रहा है, भाई उन लोगों के लिए इतना ही बता देता हूँ, दोनों साइड का व्यू इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों साइड का मार्केट है, तो आप समझने वालों के लिए इशारा काफी है, आपकी इच्छा है। कल का मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकता है, गैप डाउन भी ओपन हो सकता है, लेकिन गैप अप ओपन होगा तो मुझे क्लियरिटी आएगी कि मैं कल एक बढ़िया ट्रेड मुझे मिलने नहीं वाला, ये तो क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन कल का मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो कल के दिन पे मार्केट में फॉल, एग्रेसिवली सेलिंग नहीं आने वाला। मैं क्या बता रहा हूं, कल का मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो भी एग्रेसिवली सेलिंग कल के दिन पे नहीं आने वाला, लेकिन आने वाले टाइम के लिए
ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ थोड़ा बहुत दिख सकता है, इट इज पॉसिबिलिटी। सो कल का मार्केट अगर फिर भी इसी रेंज के अंदर अंदर ओपन हो जाए, इसी रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाए, फ्लैट अगर मार्केट ओपन हो जाए इसी रेंज में, तो आप कोई भी ट्रेड गलती से जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना। वापस एक बार बता रहा हूं, कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए तो आपको कम से कम पहले 5-10 मिनट वेट करना है, 15 मिनट कम से कम, 10-15 मिनट आपको वेट करना है, मार्केट को जानना है, समझना है, और फिर उसके बाद मार्केट अगर यहीं पर होल्ड कर जाए खुद को, तो पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट इस हाई को तोड़ते हुए मार्केट और ऊपर जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 52,800 का, 52,920 ये सारे टारगेट्स आपको मार्केट इजी तरीके से दिखा सकता है। इसकी हायर पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी लग रही है, इतना मार्केट हो सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं या फिर मुझे मार्केट का बड़ा पता नहीं, जो कैंडल्स मुझे बता रहे, जो चार्ट मुझे बता रहा है, मैं उसी को बस फॉलो करने की यहां पर कोशिश करते जा रहा हूं, इतना समझ गए होंगे। मार्केट यहां से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक बात यहां पर हो सकती है कि मार्केट यहां पर ऊपर जाते समय अगर गलती से भी फेल करके अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे, मैं क्या बता रहा हूं अच्छे से याद करना, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे तो बुरा मत मानना, खुश हो जाना, खुश हो जाना, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए एक बढ़िया ट्रेड हमें यहां पर मिल सकता है। अगर कल का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बहुत अच्छी बात मानूंगा मैं, कल का अगर स्टॉप लॉस गया तो। लेकिन अगर ऐसा ना करते हुए अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर जाता रहा तो मैं यहां पर मेरी क्वांटिटी जो है वो यहां पर मैं ओनली 50% के साथ ही चलना पसंद करूंगा। मैं पूरी क्वांटिटी मार्केट में ऐड नहीं करने वाला अगर मार्केट यहां से अपसाइड चलने लगता है तो। इतना तो समझ गएंगे। वापस रिपीट, अभी मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद सीधे नीचे चला जाए तो इसको गलती से भी टच मत करना, कोई फायदा नहीं है, आप ट्रैप होने वाले हो इस मार्केट में। अगर मार्केट नीचे चलने लगे तो इसी मार्केट में आप वेट करो जब तक बैंक निफ्टी 52,300 के नीचे प्रॉपर तरीके से नीचे नहीं जाता, तब तक आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो। आप इतना समझ गए होंगे, बस इतना ही आपको देखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं जितना आपको फ्री में यूट्यूब पे एनालिसिस दे रहा हूं, ये आपको पेड क्लासेस में भी सिखाया नहीं जाता, और मैं आपको इससे भी ज्यादा एडवांस चीजें जुलाई बैचेस में सिखाने वाला हूं। तो जुलाई बैचेस का एडमिशन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पे मिल रहा है, आप अपने एडमिशन को बुक कर लीजिए। डिस्काउंटेड प्राइस अभी भी आपके लिए रनिंग है, लास्ट आई थिंक 4-5 सीट के बाद ये डिस्काउंट भी खत्म हो सकता है, तो इसका पूरा फायदा उठा लीजिए, राइट। और रिजल्ट क्या आएगा बताने की जरूरत है ही नहीं, रिजल्ट आपके सामने डेली चल रहा है। समझ गए इतना बैंक नोट में, कोई डिफिकल्टीज करने की जरूरत नहीं है। गैप अप या फिर गैप डाउन कुछ बनेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मार्केट क्रिएट हो जाएगा। गैप डाउन बनने के बाद भी यहाँ पर कैसे मार्केट प्राइस बिहेवियर करता है, मार्केट कैसे रिएक्शन देता है, उसके बाद ही कुछ भी प्लान यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। उसके पहले पहले यहाँ पर कोई भी बड़ा प्लान क्रिएट नहीं हो सकता, इस बात को ख्याल रखिए। बहुत बड़ा मार्केट अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए, ऑलमोस्ट 52,900 इस तरीके से जगह पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का वेट करना। अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो उसी कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट को फिर से बाय कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी ओनली 50% रखना है, इससे ज्यादा क्वांटिटी लेनी नहीं है। लेकिन अगर रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट फिर से नीचे चला आए तो भी यहाँ पर एग्रेसिवली जाने की कोशिश मत करना, मार्केट नीचे आएगा और कभी भी यूटर्न मारकर फिर इसी रेंज को अंदर अंदर मार्केट खुद को वोलेटिलिटी क्रिएट करके आपको नुकसान दे सकता है। ये मार्केट साइडवेज है, एक वोलेटाइल मार्केट आएगा, फिर उसके बाद आपको उस मार्केट ट्रेंडिंग बनने के चांसेस पॉसिबिलिटी ज्यादा, इतना तो समझ गएंगे। चलो अभी निफ्टी को देख लेते सीधे, ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। इतना डिटेल्स में एनालिसिस देने के बाद अगर आप थोड़ा सा प्यार भी देने लगेंगे मुझसे तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा खुशी हो सकता है दिल से। बाकी इच्छा आपकी है, बताना मेरा काम है, मैं आपको बता के जा रहा हूँ। आप प्यार दोगे तो खुशी मिलेगी, नहीं दोगे तो क्या कर सकता हूँ, डिमांड ही तो कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ आपके लिए। बस प्यार देते रहना, थोड़ा सा मजा आएगा मुझे भी। निफ्टी सेम कंडीशन, कल जैसे बताया था आपको वैसे यहाँ पर भी सेम बिहेवियर आ रहा है। निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी और भी पॉजिटिव जाने की कोशिश करें। कल भी बताया था ये कैंडल को कुछ भी मत देखना, ये कैंडल बस नाटक क्रिएट कर सकती है, कभी भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, पहले मेंशन करके रखा। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से मार्केट यहाँ पर चला है, फिर यहाँ पर निफ्टी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने की कोशिश हो रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करा। लेकिन कल जाकर मैं निफ्टी को कोई भी ट्रेड करने के लिए, निफ्टी में अभी कोई भी ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश मैं करने वाला हूं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो निफ्टी अगर इसी फ्लैट रेंज के अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है,
तो आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ निफ्टी को बाय भी कर सकते हो। जैसे निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करेगा आप एक बाय ट्रेड का ट्रेड जरूर ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी आपकी कम कर जाना, क्योंकि ये जगह मार्केट में बड़ी क्वांटिटी डालने की बिल्कुल भी नहीं है। छोटी क्वांटिटी के साथ चले जाओ ताकि आप मार्केट से बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। इतना तो आप यहाँ पर समझ ही चुके होंगे। तो इतना तो कंडीशन समझ गए। मार्केट फ्लैट ओपन होना निफ्टी के लिए अच्छी बात नहीं है, कोई बढ़िया बात नहीं है। मैं इसमें ट्रेड नहीं करने के लिए इंटरेस्ट लूंगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी, बहुत बड़ा गैप अप अगर निफ्टी ओपन कर जाए तब मेरे लिए निफ्टी में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग ट्रेड मिल सकता है, इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज बन सकती है। निफ्टी गैप डाउन ओपन होता भी है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो भी ये किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पर ओपन भी हो जाता तो वापस ऊपर ही जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर क्लियर है कि नीचे जाने की तो कोशिश करेगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी थी कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो आप यहाँ पर छोटी क्वांटिटी फिर से बाय भी कर सकते हो। मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ स्लाइटली नीचे भी, तो फिर निफ्टी को बाय करने की कोशिश कर सकते हो। बैंक निफ्टी को मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। वो भी इतना समझ चुके होंगे, मैं डिटेल्स में आपको ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करूंगा। बजाज फिनसो पे होल्ड बना के रखिए, SBI लाइफ को देखते रहिए। फिर उसके बाद मैंने आपको नाइका भी बना के रखा है, तीनों स्टॉक में बना के रख सकते हो। SBI आज के दिन पे थोड़ा बजाज फिनसो थोड़ा सा नीचे की साइड में ट्रेड करा है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा नीचे पॉजिटिव मार्केट ऊपर नीचे तो करता ही रहता है, तो उसी चीज को समझ लेना है। वो भी इतना समझ चुके होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।